पिछोर थाना क्षेत्र के करारखेड़ा गांव में 10 वर्षीय नाबालिग के साथ हुआ दुष्कर्म। मामला पिछोर थाना क्षेत्र के करारखेड़ा गांव का है, जहां एक कलयोगी चाचा ने अपनी नाबालिग 10 वर्षीय भतीजी के साथ दुष्कर्म कर डाला। नाबालिग ने बताया कि चाचा जबरदस्ती पकड़ लेता था और मेरे साथ गलत काम करता था। ऐसा लगभग 3 बार चाचा ने किया है। नाबालिग बालिका ने जब इस बात की जानकारी अपने माता पिता को दी तो वह पिछोर थाने में बेटी को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर धारा 376 पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। साथ ही साथ आरोपी की तलाश भी पुलिस ने शुरू की। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया था, साथ ही 24 घंटे के अंदर आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ कर उसे न्यायालय पेश किया जा रहा है। कहां की हो? करारखेड़ा। अच्छा बेटा, थाने में आई थी, क्या समस्या है? क्या समस्या? हमारे चाचा जी जबरदस्ती पकड़ लिए थे, और भागती थी, पकड़ लेती थी। क्या किया आपके साथ? क्या किया? गलत काम किया। कितनी बार कर चुके? 3 बार। हाँ, इसलिए थाने आई थी। हाँ, मम्मी पापा के साथ। काहे के लिए आई थी? थाने रिपोर्ट के लिए। तो चाचा की रिपोर्ट करने? हाँ। दुष्कर्म किया चाचा ने? हाँ। मैडम, नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि पिछोर के ग्राम करारखेड़ा की एक पीड़िता थी, तो उसने हमको ये जानकारी दी, उसने और उसके परिवार ने, कि उसके सगे चाचा ने उसके साथ बलात्कार किया। उसके बाद हमने पूरी जांच पड़ताल की और उसके बाद उनकी रिपोर्ट पर से हमने थाना पिछोर पर अपराध पंजीबद्ध किया है गंभीर धाराओं में, जिसमें 376 तथा पॉक्सो एक्ट के तहत हमने अपराध पंजीबद्ध किया है। और उसके अलावा हमने आरोपी को भी 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है, जिसे शीघ्र ही न्यायालय में पेश करेंगे।